सर प्रणाम, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु दुबे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ई सार्थक संवाद में। ई सार्थक संवाद के तहत आज हम बात करेंगे देश के सुविख्यात धर्माचार्य सुधांशु जी महाराज से। सुधांशु जी महाराज की खूबी यह है कि उन्होंने हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो तमाम कथाएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मनन नहीं करते हैं, पर सुधांशु जी महाराज का सनातन धर्म के संदर्भ में, उस देश के समाज के संदर्भ में जो योगदान है वो ये है, इन कथाओं के माध्यम से जीवन के यथार्थ को, जीवन की व्यवहारिकता को जिस तरीके से वह प्रस्तुत करते हैं वह अपने आप में अतुलनीय है। यही कारण है कि सुधांशु महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए ना केवल हजारों बल्कि लाखों और कहें तो करोड़ों लोग बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे सार्थक किया जाए, और जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है उस मनुष्य देह की पूर्णता किस प्रकार से प्राप्त की जाए, इसके संदर्भ में उनका दृष्टिकोण, उनकी दृष्टि दोनों ही अद्भुत है। आज खास मौका इसलिए है क्योंकि इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है। सनातन धर्म में नवरात्र की अपनी महिमा है, नवरात्र का अपना महत्व है। तो क्या है इस नवरात्र के मायने, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम सुधांशु जी महाराज से। तो सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहाँ पर सुधांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे समझते हैं कि क्या कुछ है नवरात्र और क्या है देवी की महिमा। तो बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। बहुत बहुत सभी के लिए अभिनंदन और आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो बातचीत की शुरुआत तो इसी से करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर हर साल नवरात्र बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक चैत्र नवरात्र, एक जो हमारे पास सर्दियों में आता है। दोनों जो नवरात्र हैं, आखिर इनकी इतनी महिमा क्यों है? वैसे बताते तो ये हैं कि साल में चार नवरात्र आते हैं, भले इन दो नवरात्र के संदर्भ में खासतौर पर बात की जाती है, शारदीय नवरात्र के संदर्भ में और चैत्र नवरात्र के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो आपकी दृष्टि इन नवरात्र को किस रूप में देखती है, क्या इसका महत्व है? क्योंकि सारे दिन भगवान के बताए जाते हैं और फिर भी इन नवरात्र का अलग से महत्व बताया जाता है, तो थोड़ी दुविधा होती है कि जब सारे दिन भगवान के हैं तो इनका ही विशेष महत्व क्यों? सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी दर्शकों का, और हमारे डॉक्टर हिमांशु अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, साहित्य से भी, गरिमा से भी, लेखन से भी और व्यक्तिगत स्वरूप में भी दिव्य हैं। तो एक बहुत सुंदर अवसर है ये आज जो हम लोग विचार करने के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि दो नवरात्र जो हम लोग शारदीय नवरात्र और जो वासंतिक नवरात्र जिनको जानते हैं कि ये तो परिचित हैं ही, उसी के साथ में दो गुप्त नवरात्र भी आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति जागरण का अवसर है यह, और ये 9 दिनों के लिए मनाए जाते हैं। 9 दिनों को इस रूप में माना जाता है, हमारे यहाँ एक शब्द है जो माना जाता है कि प्रत्येक मंत्र से पहले ओंकार लगाना आवश्यक है। ओंकार को प्रणव बोलते हैं और प्रणव में भी नव शब्द है, प्र से मतलब हो गया प्रकृषेण, जो प्रकृष्ट है, और नव का अर्थ हो गया नया, जो सदा नया रहे, जीवन के अंदर नवीनता बनाए रखने के लिए जिस शक्ति को हम लोग अपने जीवन में लाते हैं और 9 दिनों तक जिसका आराधन करते हैं वह अवसर है नवरात्र। और नवरात्रों में कहा जाता है, जो पुराणों की कथा है उसमें तो सार में ये कहा जा सकता है कि देव शक्ति जिस समय बहुत क्षीण होने लगी थी, उन शक्तियों को दैत्यों के सामने फिर से उभारने के लिए जगदम्बा शक्ति माँ का उदय हुआ। देखा जाए तो देवताओं को भी अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए आद्य शक्ति की शरण में जाना पड़ा, और कोई भी व्यक्ति जो ये चाहता है कि उसके जीवन में दिव्यता आ सके तो इन दिनों उसे आराधना करनी चाहिए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, या देवी सर्वभूतेषु, हम लोग जो पाठ करते हैं ना दुर्गा सप्तशती में, तो गीता में एक शब्द आता है जिसमें हम लोग ये पाठ करते हैं, और विशेष रूप से या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जिस रात्रि में सभी लोग सोते हैं कोई संयमी कोई साधक उस रात्रि में जागता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है विषय वासना में मोह निद्रा में सोया पड़ा हुआ है और संसार जो है उस मोह निद्रा में ग्रसित रहता है, लेकिन एक कोई साधक होता है
उसके लिए संसार का भोग और ऐश्वर्य वो उसकी तरफ से आंखें बंद किए हुए हैं, लेकिन भगवान की तरफ से वो आंख खोले हुए है। मतलब जिस मोह निद्रा में दुनिया सोई पड़ी है जी, उसमें जागा है एक कोई ऋषि कोई साधक। तो इन दिनों जागरण का महत्व माना जाता है कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया जाए। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि भारत को फिर से अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए, हर घर में नव शक्ति का उदय करने के लिए देवी माता की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जितना जितना हम लोग जो है अपनी दुर्बलताओं को याद करते हैं तो हम कमजोर होते जाते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में दुखी होने का मंत्र ढूंढना हो तो उसे एक काम करना चाहिए, अपने अभाव और अपनी दुर्बलता और अपने जीवन में घटी हुई जितनी भी दुखद घटनाएं हैं उन्हें याद करना शुरू कर देना चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद ही उसका मूड खराब हो जाएगा और उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, और जितना जितना वो अपने दुर्भाग्य को कोसना शुरू करेगा उतना उतना वो उसके अंदर जो है आसुरी शक्ति जागनी शुरू हो जाएगी, निराशा और उसके जीवन का अंधकार बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही वो धन्यवादी होकर के परमात्मा के दिए हुए वरदानों के प्रति आभार व्यक्त करना शुरू करेगा और अपने जीवन के वरदानों को याद करेगा तो उसकी शक्ति बढ़ने लग जाएगी। तो शक्ति जागरण की आवश्यकता तो हर पल पड़ती है हमें जी। उस शक्ति को जितना हम जागृत करते हैं हमारा कल्याण होता है। नवरात्र जो है नव शक्तियों को जागृत करने का अवसर है। मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ आचार्य जी, जो नवरात्र है इसमें और बाकी पर्व में एक बड़ा अंतर है। और भी कई पर्व हैं जिसमें 3 दिन की साधना करते हैं, 5 दिन की साधना करते हैं, 7 दिन की साधना करते हैं, लेकिन वो एक ही देवी या एक ही देवता के स्वरूप की साधना करते हैं। लेकिन नवरात्र में हर दिन देवी के एक अलग स्वरूप के संदर्भ में आराधना की जाती है। ये जो स्वरूप का परिवर्तन है इसके संदर्भ में भी कोई दृष्टि तो होगी, क्या कारण है कि दुर्गा जी को पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक नहीं पूजा जाता है, कभी ब्रह्मचारिणी के रूप में कर रहे हैं, कभी स्कंद माता के रूप में कर रहे हैं, तो ये जो अलग अलग स्वरूप है इसके संदर्भ में क्या दृष्टि है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जिसको जानना चाहिए सब लोगों को। हमारे शरीर के अंदर जो एक मिनी ब्रेन की तरह से पावर सर्किट माने जाते हैं वो 7 चक्र हैं जी। लेकिन शक्ति उपासना वाले लोगों के लिए ये माना जाता है कि वे लोग जो अपने अंदर शक्ति को धारण करना चाहते हैं और जागृत करना चाहते हैं तो उन्हें ये करना चाहिए कि हर दिन माँ के 9 रूपों की उपासना करते हुए अपने जो चक्र हैं उनको जागृत करना चाहिए। और 3 चक्र मतलब आज्ञा चक्र के बाद में हम लोग जो है ये 6ठा चक्र है आज्ञा चक्र। पहला है मूलाधार जी। तो मूलाधार से ही हम लोग जो है प्रारंभ करते हैं, वह पहली शक्ति है, पहली देवी का जागरण है, जिसमें मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है, इच्छाएं उसको नचाती हैं। उन इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए आपको पहली शक्ति जागरण करने का अवसर मिलता है जी। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करना। तो इस तरह से जो है ये सारे चक्रों को जागृत करते हुए जब हम आज्ञा चक्र में आते हैं जी, तो यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, हमारी नासिका जहां जाकर जुड़ी है यहां तक संसार है, यहां तक जो है माया का पहरा है। यहां से आगे जो ये बिंदु वाला स्थान है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं ये हमारी चेतना का स्थान है जी। यहां से ऊपर जो है वो ब्रह्मलोक माना जाता है। तो उस ब्रह्मलोक में क्योंकि यहाँ रेखा खींची हुई है ये आईब्रो वाली रेखा जी। यहां से नीचे संसार है, इसके मध्य में आपकी चेतना है, इससे ऊपर परम चेतना है। परम चेतना तक पहुंचने के लिए यहां तक जब आप पहुंच गए तो ये 3 और शक्तियां हैं जिसे जागृत करते हुए आप सिद्धिदात्री तक ब्रह्मरंध्र तक पहुंचते हैं। आप देखते हैं कि कमाली जो है कबीर साहब की बेटी थी जिन्होंने एक गीत गाया था जिसमें उन्होंने एक भावना दी कि शरीर डेड बॉडी जो है वो घर में पड़ी है, और उस समय जो है एक भाव जागता है कि रंग महल के 10 दरवाजे, ये जो रंग महल है इसके 9 द्वार तो संसार की तरफ खुल रहे हैं, 10वां द्वार परमात्मा की तरफ खुलता है। रंग महल के 10 दरवाजे न जाने कौन सी खिड़की खुली थी कि संयान निकस गए मैना लड़ी थी। आत्मा वो शरीर कह रहा है कि मैंने उनसे लड़ाई नहीं लड़ी,
लेकिन इसका मालिक रूठ के चला गया। वो जो चेतना है उसको परम चेतना से मिलाने के लिए ये जो 9 दिन है इनकी साधना की जाती है, और ये साधना इतनी अद्भुत होती है। इसमें कहा जाता है कि आपको संयम रखना है, जी आपको जीभ पर स्वाद पर नियंत्रण लाना है, जी क्योंकि जीभ की साधना सबसे पहले मानी गई है। जी जीभ से आपका समाज भी ठीक होता है और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होता है। तो इन दिनों नाप तोल कर बोलना है, नाप तोल कर खाना है, स्वाद से कुछ जीतना है। संयम साधते हुए आप जो है, क्योंकि दूसरी साधना यही आती जहां स्वादिष्ठान को आप जीतते हैं, अपने दूसरे चक्र तक आते हैं, तो यहां का माना जाता है कि आप संयम को साधते हैं। उसके बाद में अगली शक्ति जैसे हम जागृत करते हैं मणिपुर तक आते हैं, ये किसी साधक की साधना है। जी और भारत में इसे सहज रूप में सिखाने के लिए सबको ये कहा गया है कि आप इस समय जो है सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक रहन सहन कीजिए, क्योंकि इससे आप अपनी उस शक्ति को प्राप्त करेंगे। एक होती है जिस्मानी कुव्वत, शारीरिक शक्ति, लेकिन एक है प्राणिक शक्ति, एक है आपकी मानसिक शक्ति, एक है आपकी बौद्धिक शक्ति। आप देखेंगे कि जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें एक स्थान पर आया कि देवी माता जो है चेतना रूप में स्थित है। उसके बाद में फिर आगे कहा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जी वही देवी माँ जो है प्रत्येक के अंदर बुद्धि बनकर बैठी हुई है, वही उसकी समझदारी, वही उसका विवेक है। और अगर वो जागृत है तो आपके ऊपर जगदम्बा की कृपा है। लेकिन वो बुद्धि काम कब करती है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, उसी के साथ आगे ये कहा अगर दिमाग शांत है और अच्छी नींद लेते हो तो बुद्धि काम करेगी, और अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपकी बुद्धि, दिमाग हिला हुआ है तो बुद्धि जो है वो ठीक से काम नहीं करेगी। वो क्रम है एक बहुत अद्भुत जी जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं। जी तो इसलिए 9 दिनों में जो है 9 शक्तियों को जागृत करने का अवसर है, और ये किसी साधक की साधना को सिद्धिदात्री तक पहुंचाना, परम सिद्धि तक पहुंचाना, अष्ट सिद्धि 9 निधि प्राप्त करने का जो माध्यम है वो यही है। और ये 2 बार अवसर आता है, ये कमाल की बात है। जी और इस समय सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे इन दिनों जो है मौसम सम है, जी न गर्मी न अधिक सर्दी, जी तो ऐसा ही संतुलन बनाना, जिसे हम कहते हैं कि किसी भी साधक को पहले अल्फा वेव तक आना चाहिए, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, फिर आगे आपकी जो है गामा तरंगे जो है वो तो बहुत समाधि के बाद किसी की जागृत हो उस रूप में, तो शांत होकर के तब आप अपनी साधना को वहां तक ले जाएं। और इसमें जीभ को भी साधना, इंद्रियों को साधना है, और शांत होकर के साधना की जाए तो कृपा होती है। आपने साधना और संयम की बात की और उसके तहत जीभ पर संयम की बात की, पर जैसे ही नवरात्र आते हैं सबसे ज़्यादा संयम के प्रदर्शन के साथ हमें टूटता भी संयम ही है। 9 दिन व्रत करने हैं, सुबह से विचार करना शुरू कर देते हैं लोग कि फलाहार में क्या खाना है, कुटू के आटे की पूड़ी अच्छी रहेगी या हलवा ठीक रहेगा, क्या मिष्ठान में रहेगा, दोपहर में क्या ना ले लूँ, शाम को क्या ना ले लूँ। तो थोड़ा इस पर भी आपकी दृष्टि मिले कि उपवास का मायने क्या है, ये विचार करना कि कितना तला हुआ, कितना सिका हुआ और कितना मीठा भोजन किया जाए, इससे इतर कुछ है? क्योंकि यहाँ तो नवरात्र पे फलाहार थालियाँ होटलों में प्रस्तुत की जा रही हैं और लोग लाइन में लग के खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि आप सबसे पहले इस चीज को जरूर समझ लें कि आपके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती हो सकता है तो आपका आरोग्य आपके लिए कीमती है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में एक आशीर्वाद है जिसमें ये मांगा जाता है देही सौभाग्यम आरोग्यम, मुझे सौभाग्य दो, मेरा सौभाग्य कैसे टिकेगा, आरोग्यम, मेरे आरोग्य से। अगर आप अपने जीवन में सौभाग्य लाना चाहते हैं तो आरोग्यता को लाइए, और आपका आरोग्य तब संभलेगा जब आपको अपने स्वाद पर नियंत्रण करना आएगा। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परमम सुखम, उससे परम सुख आता है। फिर आगे का रूपम देही, वो सुंदर स्वरूप आता है आपका, सुदर्शन व्यक्तित्व, जयम देही यशो देही दिशो देही, इसी से आप विजय विजय प्राप्त करते हैं, यशस्वी बनते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं। वो जो आशीर्वाद आप मांगना चाहते हैं, इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जगदम्बा माँ के आशीर्वाद में ये एक बहुत कमाल की बात है
कि जैसे कोई पिता अपने बच्चे से हमेशा ये कहता है कुछ कमाना सीख जाओ, मैं तुम्हें काम के लिए भेज रहा हूँ, कमा कर लाओ। जब वो लौट के आता है, पिता उसकी पॉकेट टटोलने की कोशिश करता है कुछ कमा के लाया या नहीं, लेकिन फिर वहीं से शुरुआत होती है माँ की, जो एकदम पकड़कर उसे अलग लेकर जाती है और कहती है कुछ खाया था या नहीं, और तू ठीक था वहां, आराम किया था, जो आपके सुख की, सौभाग्य की, लेकिन उससे भी ज्यादा आरोग्य की बात करती है वो सिर्फ माँ करती है। और माँ का कमाल ये है, वो आपको स्वस्थ देखना चाहती है। तो इसलिए इन दिनों माँ दुर्गा की आराधना के लिए और उसे प्रसन्न करने के लिए आप स्वस्थ बने रहिए, वो प्रसन्न होगी। इसलिए खाना पीना आपको ठीक रखना चाहिए, और उसमें ये नहीं कि आप स्वाद के प्रति, जिस स्वाद को जीतने का संकल्प ही इन दिनों है, और उसी में आप कमजोर पड़ जाएं तो माँ को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो फलाहार के संदर्भ में दृष्टि क्या है, जो उपवास की बात कही गई है शास्त्रों में और नवरात्र में संयम के आचरण के संदर्भ में, तो आपके अनुसार उपवास का मायने क्या है, किस तरीके का दिनचर्या रखें जिसके तहत उपवास वस्तुतः फलित होता है? देखिए, इसमें ना ज्यादा खाना है ना कम खाना, लेकिन जो भी इसके लिए सात्विक भोजन बताया गया है, जी आटा बताया गया है, ये वाला आप लेंगे, चाहे वो सिंघाड़े का आटा है, कुट्टू का आटा है, या फिर अन्य फलाहार जो भी कुछ बताया गया, सबको वो मालूम है। जी उसकी गिनती गिनाना इस समय एक समय को व्यर्थ करना होगा, क्योंकि जी सबको मालूम है। उसको आप लें, लेकिन नाप तोल करके लें, और स्वाद को, कुछ लोग फीका भी साथ साथ में लेते हैं, तो आप कितना स्वाद जीत सकते हैं, मतलब जीभ पर आपका कंट्रोल है, जिह्वेंद्रिय और जननेन्द्रिय का कंट्रोल व्यक्ति को देवता बना देता है। जी यही एक शुरुआत है, यही और उसकी कमाल शुरुआत की बात यह कही गई है, इसलिए यहीं से ये शुरुआत की गई है। और फिर आराम को छोड़ के आप शैया से नीचे उतर करके आप जरा कठोर भूमि पर सोने की चेष्टा करें, क्योंकि आप तप कर रहे हैं, और जब आप तप कर रहे हैं तो जप भी कर रहे हैं, और जप कर रहे हैं तो खुद को साध रहे हैं, जब साध रहे हैं तो सिद्धि भी मिलेगी, सिद्धि मिलेगी तो प्रसिद्धि भी मिलेगी, तो सब कुछ इसी में है। एक और सवाल मेरा आपसे इसी संदर्भ में, एक तरफ तो ये बताया मैंने कि एक अनुभव जो मैं आसपास के परिवेश में देखता हूँ कि फलाहार का मतलब ये है कि कितना बेहतर भोजन ना करें, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने शरीर को क्या कष्ट न दे लूँ इसके लिए प्रयत्न करता है। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, 9 दिन तक पानी भी नहीं पीना चाहते हैं, कुछ लोग हैं केवल पानी पर ही रहना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो मौन ही रहते हैं, कुछ लोग नंगे पाँव ही रहते हैं। थोड़ा इसके संदर्भ में दृष्टि, क्या नवरात्र के अंतर्गत शरीर को कष्ट दिया जाना, साधना अलग बात और शरीर को कष्ट देना, कुछ लोग कंडे लगाकर बैठ के कि हम आधे घंटे तक कंडे ही तापते हैं, इस प्रकार के भी दृश्य दिखते हैं, इसके संदर्भ में आपका अनुभव कुछ कहता है आचार्य जी? इसमें मैं ये निवेदन करूंगा कि देखिए, एक पंचाग्नि तप होता है जिसमें चारों तरफ अग्नि जला करके जून के महीने में बैठते हैं, और उसमें जो है आप तितिक्षा की साधना करते हैं कि आपके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति कितनी है। इससे आप पता चलता है कि आप विचलित होते हैं या नहीं होते हैं, आप कितना ताप सह सकते हैं। लेकिन कहा यह गया है कि संसार के लालच का ताप, क्रोध का ताप, काम का ताप और अन्य प्रकार के जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का ताप यदि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तृष्णा आदि का, तो उसको विशेष तप माना जाता है। लेकिन प्रारंभिक चरण में ये कहा जाता है कि आप उतने कष्ट सहकर भी अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं तो ये तप है, द्वंद सहनम तपह, और द्वंद्वों का सहन करना, संयोग वियोग, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, लेना देना, ये जो भी तरह के द्वंद हैं, इन सब में अगर आप सम रह जाते हैं तो ये संतुलन बनाना ये तप है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अति करता है, शरीर को सुखा ले, शरीर को कष्ट दे, तो उससे ईश्वर मिलते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इतनी बात यह भी नहीं है कि आप बहुत आराम पसंद हो जाएं और आराम से आप सोचते हो कि हमें जो है कोई सिद्धि मिल जाएगी। जो बच्चे अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करना चाहते हैं या किसी बड़े एग्जाम्स वगैरह में सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें भी न जाने कौन कौन से त्याग और बलिदान करने पड़ते हैं। तो जीवन में बिना कुछ छोड़े तो कुछ पाया नहीं जा सकता, कष्ट तो सहने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे कष्ट नहीं कि आप अपनी देह को गला लें, खराब कर लें और अति करें अपने साथ,
उसको हमारे शास्त्रों में निषेध किया। और कृष्ण भगवान ने तो गीता में जो है युक्ताहार विहार की चर्चा की है कि आप जो है, और बुद्ध भगवान ने भी जो है ना जो है अष्टांगिक मार्ग में जो 8 चीजें कही वो भी यही है उसमें जो है। सम्यक दर्शन है पूरा पूरा कि आपके जो है सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक आहार होना चाहिए, विचार होना चाहिए। तो सब जगह संतुलन को महत्व दिया गया। तो संतुलन महत्वपूर्ण है जीवन में, चाहे आपका आचार हो, चाहे आपका विचार हो, चाहे आपका व्यवहार हो। पर इस संतुलन पर ही बात करना चाहता हूँ। नवरात्र मतलब देवी की स्तुति, और जब देवी की स्तुति करते हुए पूर्णता की ओर आते हैं तो बाकायदा कन्याओं को बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं, उनका पूजन करते हैं, नमन करते हैं, भोजन कराते हैं। और कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जिनके घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो मातम मनाते हैं। आज भी समाज में ये विसंगति है। मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ आचार्य जी, कि जिस देश में बल चाहिए तो दुर्गा की स्तुति कीजिए, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी के हाथ जोड़िए, समृद्धि चाहिए तो लक्ष्मी जी के चरणों में नमन कीजिए। मतलब सब कुछ स्त्री से प्राप्त करने वाला समाज, एक स्त्री अगर परिवार में आ रही है तो इतना परेशान हो जाता है। इस विसंगति पर आपकी कोई दृष्टि गई, और इसके संदर्भ में आप कुछ ऐसा विचार जो हमारे दर्शकों के बीच में साझा करना चाहे? ये बहुत आवश्यक है जो आपने प्रश्न किया है, क्योंकि इस समय समाज को जागृत करने की आवश्यकता भी है। कुछ लोगों में ये भावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि वो बेटी के पैदा होते ही जो है वो मातम मनाने लग जाते हैं, और बहुत लोग जो अपनी पत्नियों के साथ में अत्याचार करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत दुखद हमारे देश में कुप्रथा है, इस चीज को हमें तोड़ना चाहिए। लेकिन ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि कोई भी अगर जगदम्बा माँ के स्वरूप में आई भी कन्या का अपमान करता है, इससे बड़े जो जो हमारे यहाँ कहा गया ना कि सप्त मर्यादा कव्यस्त तक्षु हो, वेदों में ऐसा कहा गया है कि भगवान ने 7 मर्यादाएं मानी हैं। उन मर्यादाओं में अगर कोई एक का भी उल्लंघन करता है तो वह पाप का, घोर पाप का भागी बनता है। तो आप समझ लीजिए उसमें भ्रूण हत्या भी एक बहुत बड़ा पाप माना गया है, जिसको घोर पाप माना गया है, जिससे आदमी नरक को नहीं घोर नरक को प्राप्त होता है। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि मर्यादा का अर्थ होता है सीमा जी। किसी देश की जो सीमा रेखा है वो मर्यादा है उसकी, नदी के जो किनारे हैं वो मर्यादा है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मर्यादा सिद्धांतों के आदर्श की होती है, उसका उल्लंघन करते ही व्यक्ति वहां से पाप का भागी होने लग जाता है। लेकिन समाज में जो सबसे अधिक विडंबना वाली मर्यादा तोड़ने वाला कार्य है वो है किसी भ्रूण की हत्या करना, और किसी कन्या भ्रूण को नष्ट करके आप जो है सोचते हो मेरे घर में जगदम्बा माँ का आशीर्वाद मिलेगा या मुझे कोई तारने वाला आ जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा दुखद कार्य है, जिसको आप जो है कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो घोर नरक को प्राप्त करता है। लेकिन साथ साथ में सामाजिक अपराध होने के साथ साथ जो है यह वह कुरीति है जो समाज का संतुलन तो बिगाड़ती ही है, जिसके कारण जो है हम लोग देखते हैं कि हमारा देश जो यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, वहां पर अगर ये ऐसी चीज है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, इससे हमें बचना चाहिए। एक बात और जो आपसे समझने की, जिस संयम की आप बात कर रहे थे, अनेक देवी भक्त हमारे संपर्क में रहते हैं जो बड़ी कठिन साधना इस दौरान करते हैं, बड़े संयम में भी रहते हैं, लेकिन 9 दिन पूरे होने का उतनी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये 9 दिन पूरे तो हों और उसके बाद में बोतल खुलनी है, गिलास छलकने हैं, थोड़ा इस पर भी आपकी दृष्टि है क्या? जो बेबसी उनकी 9 दिन के दौरान देखने को मिलती है, और जो बेसब्री 9 दिन खत्म होने के संदर्भ में उनकी रहती है, अतिरिक्त उत्साह, अतिरिक्त इंतजार, और उसके बाद में जो संयम टूटता है, तो वाकई नवरात्र का मायने यही है कि बस 9 दिन ठहर जाओ, बाकी दिन जो मर्जी है वो करो? देखिए 9 दिन जो आप करते हैं उसका अलग फल है जी, और 9 दिन के बाद जो आप कुछ दूसरा करते हैं उसका अलग फल है जी। तो जो आपने अच्छा किया है उसका अच्छा फल तो आपकी जिंदगी में आएगा ही जी, लेकिन जो जी। आपने एकदम उससे और विशेष लाभ ले सकते थे और आपकी जिंदगी में वो रूपांतरण हो सकता था जहां से आपका सुख सौभाग्य शुरू हो सकता था,
यदि आप ये गलती करते हैं कि बाद में आप जो है अपने संयम को, अपने व्रत को, अपने संकल्प को तोड़ते हैं, तो उसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़े लाभ से आप वंचित हो जाते हैं। इसलिए अच्छा ये नहीं होना चाहिए कि भाई ना तो हमसे ये निभेगा तो इसलिए हम जैसे रह रहे हैं वैसे रहें, ये भी सोचना गलत है। जो हम कर पा रहे हैं, जितना हम 9 दिन कर पा रहे हैं वो तो करें, उसके बाद में हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छी आदत 9 दिन में नहीं बनती, उसके लिए कम से कम 40 दिन होने चाहिए। इसलिए अपने देश में दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ये है शिव चालीसा, ऐसे चालीसा पढ़ने की परंपरा। यूरोपियन लोग ये मानते हैं किसी आदत को बनाना हो तो 21 दिन अभ्यास कीजिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 21 दिन तो आप अभ्यास करके आदत बनाते हैं, 21 दिन के बाद अवचेतन मन में उसे दृढ़ करने के लिए जो है फिर आगे के वो 19 दिन और चाहिए, तो 40 दिन जो है वो आवश्यक होते हैं। तो ऐसे 9 दिन अभ्यास करने के साथ साथ आप 40 दिन उस तरह से, भले भोजन आप सामान्य करने लग जाएं, रहन से आपको अपने किए हुए संकल्प में दृढ़ रहकर 40 दिन अभ्यास करके आदत बनानी चाहिए। तो फिर वो जो आपके ढक्कन खुलते हैं और आप जो गलत संगति में बैठने लग जाते हैं तो आप उससे उभरते हैं, और फिर वो बात आपको अच्छी लगती है और याद भी आती है कि गिलासों में जो डूबे हैं न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में, तब याद आता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बात बताई कि 9 दिन की शुरुआत है, मुकाम नहीं है। 9 दिन के अंदर अभ्यास करते हुए 40 दिन की साधना को लक्ष्य बनाएं। लेकिन आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ आचार्य जी, कि 9 दिन के संदर्भ में क्या सुबह देवी का पूजन कर लेना, व्रत कर लेना, इतना भर पर्याप्त है, या आपके अनुसार एक व्यवस्थित दिनचर्या इस 9 दिन के दौरान अपनानी चाहिए जिसके माध्यम से वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचा जा सके? इसके संदर्भ में कुछ आप हमसे साझा करना चाहें, क्या कुछ करना चाहिए इसके अतिरिक्त? हाँ, ये आपने वो कहा है कि जो जाते हुए कथा का प्रसाद बांटा जाना चाहिए। तो देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जीवन सुखी और आनंदित हो, और उसे जो है भगवान से, भगवती से, महाकाल से, महाकाली से, महादेव से, महादेवी से कृपा प्राप्त हो जाए। तो उसे क्या करना चाहिए? अपने हर दिन का जीवन जहां से शुरू होता है, मतलब जागने से दिन शुरू होता है, तो अपना पहला समय, जागने का प्रथम समय भगवान के नाम अर्पित करना चाहिए। दूसरी बात, हर दिन की शुरुआत मधुरता और शांति से करनी चाहिए। शांति आप अपने घर में, अपने परिवेश में लाएं, शांति अपने मन में लाएं, और अपने चेहरे पर उभरने वाली प्रसन्नता को घर से लेकर बाहर जाएं, समाज तक ले जाएं, और समाज की कड़वाहट को लेकर घर में प्रवेश ना करें। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो देवों का वास आपके घर में होता है। प्रभात वह वेला है जिस समय चारों तरफ देव शक्तियां ब्रह्मांड से आपको दिव्यताएं प्रदान करती हैं। वही एक समय है जब फूल मुस्कराते हैं, आप देखते हैं कि लहरें उठ रही होती हैं तालाब में, मछलियां उस समय जो है बहुत ज्यादा हिलडुल रही होती हैं, पलने पर पड़ा हुआ छोटा सा बच्चा साइकिलिंग करने लग जाता है, अपने पांव चलाने लग जाता है। वही एक समय है जब आपको भी अपने शरीर में थोड़ी सी हरकत करते हुए रुधिर का संचार करना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता लाएं, माथे में शांति लाएं, और अंग अंग में जोश लाएं, और भगवान से उस समय अपनी वाणी की मधुरता और अपने अंदर उस चुंबक को मांगना चाहिए जिस चुंबक से आप समृद्धि को, खुशहाली को अपनी ओर खींच के लाते हैं, लोगों को अपने से जोड़ते हैं। आपके रिश्ते आपकी ताकत हैं, आप जब अपने रिश्तों को ताकत बना लेते हैं अपने, तब आप ये समझ लीजिए जगदम्बा की आपके पर कृपा होती है, क्योंकि जब जगदम्बा जो है शक्ति है, और शक्ति तब बनती है जो हम लोग ऋग्वेद का अंतिम सूक्त पढ़ते हैं जहाँ अंतिम संदेश दिया गया है, तो वहां पर एक बड़ा अद्भुत संदेश है, संगच्छध्वं संवदध्वं सम्वो मनांसि जानताम, साथ मिलके चलना, एक होकर चलना सीख जाओ, एक होकर बोलना सीख जाओ, एक होकर विचार करते हुए जीवन के लक्ष्य को पाना सीख जाओ।
यहाँ भी शक्ति जगदम्बा की उपासना करते हुए आप देखते हैं कि जिसके 8 हाथ है और एक सिर है जी, जिस घर में विचार सबका एक हो और काम करने वाले हाथ 8 अलग अलग हाथ हो, उस जगह शक्ति रहती है। और जहां रावण की तरह 10 सिर हो और करने वाला कोई भी नहीं हो, वो लंका जला करती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हर दिन आप जब जागृत होते हैं उस समय श्रद्धाम प्रातर हवा में है, श्रद्धा को प्रभात में पुकारना चाहिए, मेरे हृदय में प्रेम रहे, श्रद्धा रहे, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, जो देवी माता सबके अंदर श्रद्धा बन के बैठी है, नमस्तस्य 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 नमो नमः, उस देवी माँ को, उस शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वो श्रद्धा ही है जो माँ बाप को मान दिलाती है जी। जिसके अंदर ये श्रद्धा है तो ये समझ लीजिए कि सारी दुनिया उसके हृदय में बस जाएगी, नहीं तो माँ बाप की चारपाई भी भारी पड़ जाएगी, आदमी घर में उनको रख नहीं पाएगा, माँ बाप को सम्मान नहीं दे पाएगा। इसलिए ये जो समय है, मुस्कुराहट मांगिए, शांति मांगिए, मधुरता मांगिए और अपने आप को एक्टिव रखिए और अपने घर के अंदर भक्ति को बढ़ाइए। घर में भक्ति आती है तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर कृपाएं आती है। इस समय में मैं एक और निवेदन करूंगा जी, हर आदमी को, ये याद रखना है कि भगवती का डर भी चाहिए और डर भी चाहिए, कि उसका डर भी हमें मिलता रहे और उसका डर भी रहे कि वो बहुत जबरदस्त है, उसकी लाठी का वार कोई सह नहीं सकता। पुरंदरदास दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जी, उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी कि मनुष्य याद रख, देने वाली शक्ति के एक हाथ नहीं 1000 हाथ है, वो जब देने पर आती है तो 1000 हाथों से देती है, तो 2 हाथ वाला संभाल भी नहीं पाएगा, लेकिन उसे पाकर अहंकार मत करना, क्योंकि जब वो लेने पर आती है तो भी 1000 हाथों से छीन लेती है, तो 2 हाथ वाला पकड़ नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा, इसलिए अहंकार मत कर। तो उसका डर भी चाहिए और उसका दर भी चाहिए। और ये भी याद रखना है कि आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए लेकिन आंतरिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी आंतरिक स्थिति अच्छी है तो आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद आप उसका आनंद ले सकेंगे, अन्यथा कृपा नहीं होगी। इसलिए आपने जाते समय जो प्रसाद की बातें कही हैं जी, तो वो मैं इसीलिए याद करा रहा हूं कि ये मैं प्रसिद्ध होना, मतलब प्रसन्न होना और प्रसाद देना, ये भी आवश्यक होता है। जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से इस अवसर पर व्याख्या की है, लेकिन एक दुविधा का समाधान आपसे और कराना है चलते चलते। बाकी जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, उनमें बड़ी सहूलियत है, एक दरवाज़ा है, उससे दाखिल हो जाओ, अपनी बात कह के आ जाओ। सिख धर्म में है, गुरुद्वारे में जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब के हाथ जोड़ो, काम हो गया। अगर मुसलमान है तो मस्जिद के संदर्भ में एक अल्लाह है, उसे याद कर लो, ज़्यादा है तो किसी मज़ार वगैरह पे भी हो जाओ। अगर क्रिश्चियन है तो उसके संदर्भ में भी यही चर्च जाओ, काम बन जाए। सनातन धर्म में बड़ी दिक्कत है, पहले ही इतने सारे देवी देवता हैं, अब देवी के संदर्भ में भी सरस्वती जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, शक्ति की बात करें तो काली भी हैं, दुर्गा भी हैं, समझ ही नहीं आता है कहाँ जाके रुके। थोड़ा इसका मार्ग दिखाइए ना, कहाँ पर जाकर टिकूं जहाँ से कुल मिलाकर बात बन जाए, मन को भी शांति आ जाए और इस संसार के संदर्भ में जितना कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा है वो अभी पूरी हो जाए। सभी के जहन में यही सवाल रहता है, खोज नहीं पाते, इसलिए कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर। थोड़ा आपके माध्यम से, आप जैसा श्रेष्ठ आचार्य हमारे बीच में मौजूद है, इस दुविधा का अगर समाधान हो जाए तो नवरात्र सार्थक हो जाए। देखिए, वही जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, देवी के 9 रूप हैं जी। 9 रूपों में अलग अलग जो है हम पूजा करते हैं, वो नाम अलग अलग देखते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो शक्ति हमारे मूलाधार में सोई पड़ी है, रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है उससे 1.5 उंगल नीचे जो हमारा भाग है जिसे मूलाधार कहते हैं, वहां महाकाली है। वह महाकाली ये है कि जब आप अपनी इच्छाओं से संसार में ज्यादा नीचे जा रहे होते हैं और भटक रहे होते हैं, तब आपके अंदर शक्ति तो काम कर रही है लेकिन वो महाकाली के रूप में है।
जैसे जैसे साधना करते आप अपने आप को ऊपर उठाते हैं, तो आखिर में वही जो है माँ गौरी हो जाती है, और जब शिव से मिलती है तो वो गौरी शंकर बन जाते हैं, और वो दो नहीं है, वो एक ही है। जी इसलिए शिव शक्ति दो नहीं है। वो कहा जाता है ना कि जो एक ऋषि की कहानी सुनाई जाती है कि जी कैलाश पर्वत पर जाते थे और भगवान शिव की परिक्रमा करते थे, तो एक दिन उन्होंने देखा कि शिव की परिक्रमा कैसे करें, क्योंकि दोनों साथ साथ बैठे हुए, गौरी माता भी बैठी हुई है और शिव जी भी बैठे हुए हैं, तो उनके मन में आया कि मैं दोनों के बीच से होकर के जाता हूँ। तो जैसे उसने बीच से जाने की कोशिश की, शिव जी ने दूर से समझ लिया कि इसके मन में क्या है, ये हम दोनों को दो करना चाहता है, एक नहीं करना चाहता। तो शिव जी अपने मूड में आए और खड़े हो गए, जी और भक्त क्या देखता है कि आधा भाग जो है शिव जी शिव का है और आधा भाग शिवा का है, जी और शिव मुस्कुराकर देखते हैं और ये समझाते हैं कि हमारे बीच से निकल करके दिखा और कोई नहीं निकल सकता। जी तो ऐसे समझ लीजिए आप कि वो इतने अलग अलग रूप हैं लेकिन है नहीं। गेहूं का दाना हाथ में लेना, जी उसके बीच में पेट में एक रेखा खींची हुई है, जी वो दो रूप हैं, उसमें शिव भी है शिवा भी है। लेकिन कैसे? एक है अग्नि तत्व, अग्नि हमेशा ऊपर उठती है, एक जी है जल तत्व जो जमीन के अंदर जाता है। तो जैसे ही उस बीज को बोएंगे, जो पार्वती वाला भाग है, शिवा वाला, दुर्गा वाला भाग है, वो जमीन में जड़ बन जाएगा, और जो शिव वाला भाग है वो अंकुर बन के ऊपर उठ जाएगा। इसी रूप में पेड़ खड़े हुए हैं, इसी रूप में संसार दिखाई दे रहा है। आदमी का आधा भाग माँ से आया है, आधा भाग पिता से आया है। इसलिए जब बच्चे को माँ गोद में लेती है तो अपने बाएं कंधे पर उसका सिर रखती है और दाईं तरफ उसकी टांगे होती हैं। भारत में गोद में लेने का तरीका बड़ा अद्भुत है। जी माँ अपने हृदय से अपने बच्चे को लगाती है और हृदय से लगाकर उसे ममता दे रही होती है, क्योंकि गोद लेना ही काफी नहीं है, उसका प्यार भी बच्चे के हृदय में छलक रहा होता है। इसलिए एशिया में, इस महाद्वीप में रहने वाले लोग भावुक लोग ज्यादा हैं, बहुत इमोशनल लोग हैं, क्योंकि जी वो दिल से पाले जाते हैं। इसलिए एक विचित्र बात है कि हमारे यहाँ ये 9 रूप दिखाई दें या 33 करोड़ रूप दिखाई दें, वो एक के अनेक रूप हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक जी को ही ज्ञानी लोग बहुत प्रकार से कहते हैं, बहुत रूपों में उसको दर्शाते हैं। तत्व तो एक ही है, इसलिए उस एक को पूजने के लिए आप अनेक अनेक रूपों में पूजा करने के लिए जाते हैं। और कभी अगर इस विज्ञान को आप समझेंगे कि हमारे मंदिरों के गुंबद कैसे हैं, उसमें कलश क्यों लगाया जाता है, मूर्ति कैसे स्थापित की जाती है, मूर्ति के नीचे जो है वो जिस समय उसके अंदर रत्न वगैरह रखते हैं, धातु में डालते हैं, जी वो क्यों डाली जाती है, उसको अर्थिंग क्यों दी जाती है, कॉस्मिक एनर्जी को किस तरह से उसमें मंदिर खींचते हैं, और आप जो साधना करते हैं तो आपको वो ओरा कैसे प्राप्त होता है, आपको जो विश्व शक्ति कैसे मिलती है। तो ये भारत का विज्ञान है, इसको जी ढकोसला नहीं कहा जा सकता। जी बड़े सुंदर तरीके से आपने इस संदर्भ में भी दृष्टि दी है कि कुल मिला के अनेक के बावजूद भी एक ही है, जिससे मन जुड़ जाए, उसके संदर्भ में प्रेरित हो जाए। मैं बातचीत को समापन की मुद्रा में ले जाना चाहता हूँ। लेकिन भारत में जब धर्म कर्म के संदर्भ में चर्चा हो और नवरात्र के प्रसंग पर चर्चा हो, तो जब नवरात्र है यानी देवियाँ हैं तो देवियों से जुड़ी हुई कथाएँ हैं। इन देवियों के घटनाक्रम से घटित कौन सी ऐसी कथा है और उसका माध्यम से क्या संदेश है, ऐसी एक कथा के साथ आपसे समापन कराना चाहते हैं। कौन सा ऐसा प्रसंग है किसी भी देवी के संदर्भ में जो आपको लगता है कि हमारे जीवन को इस रूप में प्रेरित करता है और हमें इसे समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है? इस संवाद का अंतिम पहलू आपके माध्यम से। मुझे लगता है आज आप बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही संपुट में रखने की कोशिश कर अब रहे आप हैं। जैसा विद्वान चलिए, आचार्य नहीं बार बार मिलता भी नहीं है तो दर्शकों के संदर्भ में मेरी जिम्मेदारी बनती है। पर दोहन करना भी आता है किसी किसी को, तो आप चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि जब आदि काल में ये पूरी सृष्टि जब निर्मित हो रही थी, तो उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हुए थे एक स्थान पर, और उस समय आदि शक्ति प्रकट हुई, एक दिव्य तेज इस धरती पर आया, और उस तेज को सब देखकर चकित हो गए।
और उनका आकार प्रकार जो है उस प्रकाश का एक स्त्री के रूप में बनने लग गया, और उन्हें देखते ही समझ में आ गया कि यही वो जगत जननी है जिससे संसार बना है, और यही वो शक्ति है जिसके द्वारा हर कोई शक्ति युक्त है, ऊर्जा युक्त है। तो उस समय सब उनकी तरफ देखकर सिर झुकाकर बैठे थे, शिव अपने ध्यान में थे। उस शक्ति ने उस समय ये कहा कि मैं आई हूं, मेरी स्तुति कौन करेगा और मेरा वरण कौन करेगा। तो ब्रह्मा विष्णु शांत बैठे रहे, और उस समय शिव जी ने कहा कि मैं आपकी स्तुति भी करता हूं और आपका वरण भी करने के लिए तत्पर हूं, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि आपके वरण करने से हमको लाभ क्या होगा, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं कि मेरे बिना दुनिया में पूर्णता नहीं आती, पूर्णता मैं ही देती हूं, इसलिए आप मुझसे मिलकर के, मेरे साथ आप हों और आपके साथ मैं हूं, तो जगत पूर्ण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या लाभ होगा, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो शिव जी ने उनकी तरफ देखा, और देखा तो जगदम्बा के माथे पर एक तीसरी आंख थी। जी शिव जी ने कहा कि ये नेत्र मुझे चाहिए, तीसरा। जी जगदम्बा ने कहा कि मैं तुम्हें ये तीसरा नेत्र देती हूं। शिव जी ने दोनों आंखों से उस देवी रूप को देखा, और उनकी लज्जा को, कोमलता को, सुंदरता को, उनके दया वाले रूप को, उनके अंदर उदारता को, उनकी सारी विशेषताओं को देखने के बाद उन्होंने कहा, दो आंखों से तो यह दिखाई दिया, तीसरी आंख से क्या दिखाई देता है। वो जी आंख खोल ली उन्होंने, लेकिन उसमें से अग्नि प्रकट हुई। अग्नि प्रकट हो गई तो उसी के साथ में वो देवी भस्म हो गई, राख की ढेरी बन गई। शिव जी ने उस ढेरी को देखा, और उस समय आश्चर्यचकित थे ब्रह्मा विष्णु। उस ढेरी के तीन भाग उन्होंने बनाए और तीनों भाग सामने सामने रख दिए, और देखा उसमें से तीन देवियां प्रकट हो गई, एक ब्रह्माणी सरस्वती, दूसरी लक्ष्मी रमा, तीसरी पार्वती। और तीनों देवियां सामने खड़ी हो गई, तीनों ने एक दूसरे का वरण कर लिया, लेकिन थोड़ी सी राख चुटकी भर बची रह गई। शिव जी ने उसे हाथ में लिया, फूंक मारा, और पूरे ब्रह्मांड में वो फैल गई, और उसके बाद उससे जो है स्त्रियों का जन्म हुआ। और यह कहा गया कि हर स्त्री में दिव्यता है, देवी का रूप है, अगर तुम उसको मान देते हो वो तुम्हारे घर में समृद्धि भर देगी, तुम्हारे घर में प्रेम लेकर आएगी, देवताओं का वास करा देगी, वीरों का जन्म होगा, कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसका अपमान किया तो आदिशक्ति का अपमान होगा। ये कथा आप जानना चाहते थे इसलिए मैंने वो आपने सुनाई। पूरे कार्यक्रम को सार्थक कर दिया। आपने एक संदेश दे दिया कि हमारे घर में जो भी स्त्री मौजूद है वह साक्षात देवी के तौर पर मौजूद है, इसलिए उसके साथ व्यवहार करते समय हमें यह स्मरण रहे कि हम उसका सम्मान कर रहे हैं, मतलब साक्षात देवी का सम्मान कर रहे हैं, और अगर उसके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं तो किसी सामान्य स्त्री का नहीं, साक्षात देवी का ही अपमान कर रहे हैं। इससे ज़्यादा सार्थक बात और क्या इस कार्यक्रम में निकल के आ सकती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जैसा मर्मज्ञ इस कार्यक्रम के माध्यम से नवरात्र की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए मौजूद था, हम सबका सौभाग्य है। उम्मीद करते हैं कि आपकी उदारता हमें आगे भी ऐसे अवसर प्रदान करेगी और हमारे दर्शक आपके ज्ञान से, आपके विचार से लाभान्वित होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सुधांशु जी महाराज, जिन्होंने नवरात्र के इस पावन मौके पर हमारे साथ जुड़कर इस पर्व की महत्ता पर भी बात की और साथ ही जीवन के संदर्भ में क्या दृष्टि हमारी होनी चाहिए इस पर भी बात की। उम्मीद करते हैं कि उन जैसे महान धर्माचार्य के द्वारा बताए गए रास्ते निश्चित तौर पर हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे किसी निश्चित के साथ सार्थक संवाद के तहत। पर अब मुझे दीजिए इजाजत, सदा प्रणाम।